दोस्तों, आप कोई अफोर्डेबल फ़ोन लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हो और भी वो भी आपका 20,000 के बजट के अंदर हो, तो गाइज़ थोड़ा वेट कर जाइए, क्योंकि गाइज़ नोके की तरफ से न्यूज़ मिल रहा है सुनने को। आप लोगों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोके की तरफ से एक ज़बरदस्त फ़ोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सकती है। उसका जो नेम होगा वो है गाइज़ नोकिया X200। तो गाइज़ इसमें आपको डिस्प्ले वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी अच्छी एंड तगड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज़ कंप्लीट डिटेल्स में आज की इस वीडियो में इस फ़ोन के बारे में बताऊँगा, तो गाइज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और पहली अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तब आपके पास सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चले गाइस शुरू करते हैं और इस फोन के बारे में जानते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इसका डिस्प्ले को लेकर के। तो गाइज यहाँ पर आपको एक लार्ज साइज का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे, 6.67 इंच का IPS LCD देखने को मिल जाएंगे। बेजल लेस विथ नॉच डिस्प्ले होगी एंड इसमें आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड रिजोल्यूशन के मामले में आपको 1080x2400 पिक्सल का आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें इस डिस्प्ले में मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ इस डिस्प्ले में आप लोगों को सबसे ज़्यादा मूवीज एंड नेटफ्लिक्स एंड शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छे से आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएंगे मूवीज़ देखने का। अगर सेकंड में अगर देखा जाए कैमरा के मामले में, तो वन द बैक आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाती है जो 48 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल में आती है। एंड थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन में आएंगी एंड काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन में आपको ए फोन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ एक छोटा सा LED फ्लैश भी आपको देखने को मिलेगा। एंड सेल्फी के मामले में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएंगे। और था रेगुलर यूजर्स जो आप वीडियोस कॉलिंग, फोटोज़ वगैरह शूट करना, वीडियो शूट करना, ये सब आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। और अगर परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो आप डे बाय डे नॉर्मल यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर के साथ आती है स्मार्टफोन। एंड ये जो प्रोसेसर होगी वो आपका 11 नैनोमीटर फेब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो गाइस इसमें इसी के साथ साथ आप फ़ोन में एक्सीलेंट मल्टीटास्किंग के लिए आपको 6GB का रैम एंड स्टोरेज के लिए आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे। देन OS के मामले में आपको एंड्रॉयड 12 आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको बैटरी के लिए आपको 5100 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएंगे, जो एक अच्छी और लार्ज एंड पावरफुल बैटरी होती है। साथ ही साथ आपको 30W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलती है जो USB Type-C के साथ आती है। एंड बाकी जो आपका जो फीचर्स रहती है स्मार्टफोन में वो गाइड सिमिलर आएगा इस फोन में भी, लाइक आपका सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको फेस अनलॉक एंड चाइल्ड माउंटेन आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएंगे। पोर्ट्स एंड बटन वगैरह पूरा सिमिलर होगी। एंड गाइस नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो स्मार्टफोन आएगी ये आपका 4G कनेक्टिविटी के साथ आएगी, नॉट ए 5G। और गाइस इसका जो प्राइस है वो आपको मैं बता ही दे स्टार्टिंग में, जो अंडर 20,000 के अंदर ही ये आने वाली है। एंड इसका जो लॉन्च डेट है ये अभी तक कंफर्म नहीं है ऑफिशियली, जस्ट ये स्मार्टफोन 24 अक्टूबर में जापान में लॉन्च हुआ है, बट इंडिया में कब लॉन्च होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो गाइज जब भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे हम लोगों को तो आप लोगों को मैं शेयर जरूर करूंगा। और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करना मत भूलिए, एक लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए।